बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं सवाबी की आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह जोश और जज्बे से सवाबी के लोग इस जलसे में शिरकत की है, मैं एक एक का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मशकूर हूँ। आपने अपने हक अदा कर दिया और अभी चंद दिन रहते हैं, मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को तमाम जो ज़िले की सीटें हैं, 5 सूबाई और 2 कौमी, वो दे दें। तो मुझे उम्मीद है कि सवाबी की आवाम मेरे साथ उठ खड़े होंगे। मैंने सवाबी आवाम की इज्जत और लाज रखी है, मैं कभी भी अपने लोगों को जो है लेट डाउन नहीं करूँगा। हम इंशाअल्लाह ताला सही नुमाइंदगी करेंगे और आपकी जो आपका पग है, आपकी जो इज्जत है, जो आपकी एक सवाबी की आवाज़ से आपकी एक अपने ऊपर एक फ़ख्र है, मैं इंशाअल्लाह इस फ़ख्र को और भी ऊंचा करूँगा। मुझे उम्मीद है ये सियासत, ये इलेक्शन नहीं है, ये जिहाद है। इसमें आप सब ने निकलना है अपने घरों से, 8 फरवरी को निकलना है। पहले, सबसे पहले सुबह सवेरे अपना वोट डालें, अपनी फैमिली का वोट डलवाए। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो या तो खुद आए पाकिस्तान या अपने लोगों को फ़ोन करें कि वोट डालें। मैं सिर्फ इस मौके पे इतना कहूँगा, जो आज डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामी ने जिस तरह किया है कि हमें जलसा नहीं करने दे रहे थे, जिस तरह वो कोशिश कर रहे थे कि जलसे को सबोताश करें, दबाव डालें, तो मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये इलेक्शन है, अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो फिर इस इलेक्शन की ज़रूरत क्या है? फिर तो आप जो है ना एक नोटिफिकेशन निकालें। लेकिन जिस तरह ये इलेक्शन करवा रहे हैं, लोगों को पता है, और जिस तरह केस पे केस आ रहे हैं, जिस तरह जो है ना फैसले आ रहे हैं, लोग इस किसी चीज़ से जो है ना मरूब नहीं हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना किरदार अदा करेगा, हम हालात का मुकाबला करेंगे। मैं सवाबी की आवाम से उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आप अपने भाई असद के सर के साथ, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बच्चे मेरे साथ देंगे ताकि हम एक नया पाकिस्तान का ख्वाब पूरा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।